लुनियापुरा कब्रिस्तान का मामला फिर गरमाया है, जहां कोर्ट में होने के बाद भी निर्माण के खिलाफ आवेदन लेकर अंसारी बिरादरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए, जहां पर आज जनसुनवाई में पहुंचे कलेक्टर हेरदियालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर मकबरा नहीं बन सकता है। कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी इंदौर कलेक्टर ने कहा प्रशासन जनसुनवाई शिकायत करे। दरअसल इंदौर के लुनियापुरा कब्रिस्तान के मामले में आज जनसुनवाई में उन्होंने शिकायत कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, इंदौर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग भी की है। लुनियापुरा कब्रिस्तान में किसी मकबरे के निर्माण के विरोध में आप लोग यहां कलेक्टर कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? ये हमने जो है इसका स्टे ले रखा है, उसके बाद भी जो है वो नूरी बाबा का मकबरा बनाए जा रहे हैं। तो बना रहे हैं और क्या? ये वहाँ कमेटी के लोग बना रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और इस मामले में हमने कलेक्टर साहब से बात करा, कलेक्टर साहब ने बोला भी आपका स्टे है तो आप वापस कोर्ट जाओ, कोर्ट आप कंडम करो उनके ऊपर। और इसके मामले में हम पूरे कमेटी के पूरे इंदौर के जो लुनियापुरा कब्रिस्तान से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने हमें उनको ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को हमने, और अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई तो इसका पूरा मुस्लिम समाज उग्र आंदोलन करेगा। मकबरा बनने से क्या परेशानी आ रही है? मकबरा बनने से ये परेशानी है साहब के बहुत बड़ा मकबरा बना रहे हैं, वो मकबरा बनाने की इजाज़त नहीं देती कब्रिस्तान में, पक्का मकबरा किसी का नहीं बनाया जाता है। अगर ये इतना बड़ा मकबरा बनाए तो बाकी लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा, क्योंकि लुनियापुरा कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर इंदौर के जितनी भी लावारिस मैयत होती है वो सब वहीं दफनाया जाता है उनको। कोर्ट जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे अब हम वापस, और बड़े अधिकारी पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे इस मामले में। आपका नाम और पद बताइए? नियाजुद्दीन अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता।